अपाची 4V 160 बाइक को आकर रिबोर करना कर रहे हैं हमें। अब इस बाइक को आके क्या क्या चेंज करते हैं बोले तो क्लच प्लेट चेंज करते हैं हमें, टाइमिंग चेंज करते और छोटे मोटे जो भी वर्क है पूरे कर देते और डैमेज आके ब्रेक लीवर जाके है, की सेट जाके है, क्लच लीवर जाके है, डिस्क भी थोड़ा ट्रबल है। डिस्क प्लेट देख सकते हैं कितना डैमेज है बोले तो पूरा का पूरा प्लेट आके चाकू बन गया है, कुछ भी नहीं है जो प्लेट में, प्लेट भी चेंज करना पड़ता। और सेल्फ भी इस बाइक की थोड़ा दिक्कत रही थी स्टार्ट करते वक्त आके साउंड आता रहा, इसलिए हमें वन वे बेयरिंग जाके इस देख सकते हैं बाल्स आके पूरे फुट गए, वन वे बेयरिंग पूरी चल गई इस बाइक की। हमें इस बाइक को टाइम चेंज भी चेंज करके, वन वे क्लच चेंज करके, क्लच प्लेट और लॉकर्स कैमशाफ्ट भी जाके है। साउंड देखे ना फर्स्ट वीडियो में इस तरीके से बेयरिंग डैमेज हो गई और कैमशाफ्ट आके इस तरीके से पूरा घटके है। पूरा जेन्युइन पार्ट्स डालेंगे इस बाइक को, जो भी है कंपनी आइटम का पार्ट्स डाल के हमें नीट से सेट करेंगे। सेट करने के बाद देखेंगे किस तरह इंजन सेट होती क्या करें बोल के। इंजन पार्ट्स और बाहर के पूरे स्पेयर आके पूरे जेन्युइन पार्ट है ये, हेड आके, वॉल सेटिंग, वॉल्स, गाइड्स, सील आके पूरे के पूरे नए तरह, और बोर आके रीबोर कराए इसको, उषा पिस्टन MRP आके 1150 रुपये 8 रुपया है। और पैकिंग आके SGA डालेंगे, देख सकते हैं कंपनी आइटम, हेड बेयरिंग, सिंगल लॉकर्स, वन वे बेयरिंग, सिंगल लॉकर जा गया है ये पूर्वी का, इसलिए हमें सिंगल ही चेंज करेंगे। और पिंस भी लॉकर्स के घटके है, इस तरीके से नए पिन रहते हैं, नए पिन डालेंगे। और क्लच प्लेट वही देख सकते हैं 914 रुपया क्लच प्लेट है, और टाइमिंग चेन आके 527 रुपया, साइलेंसर गैस कट आके 359 रुपया। अपाची 4V क्लच सेटिंग किस तरह करते क्या है बोल के इस वीडियो में बताएंगे। क्लच प्लेट्स आके वही 914 रुपया क्लच प्लेट कंपनी के, इस तरीके से रहते कंपनी क्लच प्लेट। और बाइक के आगे क्लच प्लेट इस तरीके से है, पूरे जल के राख हुई है क्लच प्लेट। वैसे हमें क्लच फिट करेंगे इस तरीके से, क्लच रहता क्लच बेल। दो क्लच प्लेट आ गए स्मूथ रहते, तीन आके थोड़ा हार्ड रहते, इसलिए फर्स्ट हमें आके स्मूथ वाली डालना, फिर लास्ट वाली आके स्मूथ वाली डालना पड़ता। सही से क्लच प्लेट लगा लेगा बोले तो पिकअप आके अच्छा रहता, इस तरीके से सेट हो जाते। फर्स्ट आगे हमें क्लच बेल के ऊपर वाचर लगा लेंगे, वाचर लगा लेके क्लच प्लेट सेटिंग कर लेंगे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। तरीके से थोड़ा शेक करके हलाई वगैरह बोले तो क्लच प्लेट आगे पूरे सेट हो जाते। और इस तरीके से वाचर रहता, वाचर और बोल्ट्स, ये क्लच शाफ्ट को आगे मामूल नहीं रहती। बाहर के बिल्कुल भी नहीं टाइट करना, जो भी क्लच टाइट करने का है इस तरीके से स्टॉपर लगा लेके क्लच शॉप को, क्लच नेट को लॉक कर ले। मार्केट टाइट करे अगर बोले तो अंदर सेंटर में बेयरिंग आके आउट आ जाते, फिर स्मूथनेस आके ख़राब हो जाती बाइक की। इस तरीके से फोर स्प्रिंग लगा ले, दस नंबर के चार बोल्ट्स रहते, चार बोल्ट्स को आके अपोजिट अपोजिट टाइट कर लेना पड़ता इस तरीके से। तरीके से घचिट के पकड़ के टाइट कर लें,
क्लच प्लेट सही से फिट हो गया बोले तो इस तरीके से टाइट करते वक्त क्लच प्लेट आके घूमते नहीं सेट हुए करके बोले तो क्लच आके अंदर वाने फिरता रहता घूमता। ज़्यादा से लॉक करना आ रहा बोले तो क्रैंक शाफ्ट को इस तरीके से रॉड लॉक लेके लॉक कर लें बोल्ट्स को। इस तरीके से और बोल्ट्स भी आके लॉक हो जाते बेरिंग आके इस तरीके से शाफ्ट रहता शाफ्ट के अंदर आके इस तरीके से बॉल्स रहता। हेलो हाँ बोल भाई मालूम नहीं भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या क्यों बोलो हाँ क्या अटक गया अटक गया नहीं क्या हाँ क्या नहीं को नहीं बोल तू चो आया मालूम है इसका ये करेंगे कारीगर कारीगर बोल रहे हैं सर।